आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ताजिए का निर्माण कार्य शुरू। मुहर्रम को लेकर तैयारियों में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग। गाजीपुर के जमालिया में दो वर्षों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हसन हुसैन की याद में मनाए जाने वाला मुहर्रम को लेकर तैयारी में जुट गए। विदित हो कि कोरोना के कारण पिछले दो वर्ष मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाया जा सका था। इधर मुहर्रम पर्व को लेकर नगर कस्बा सहित विभिन्न गाँव में मुहर्रम इंतजामिया कमेटी का गठन किया जा रहा है। वहीं विभिन्न कमेटियों के द्वारा मुहर्रम को लेकर ताजिए का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसी क्रम में सुन्नत इस्लामिया कमेटी मोहल्ला चौधरी निवासी रहे स्वर्गीय निहाल शेख मंसूरी के सदस्य ताजिया का निर्माण शुरू कर दिया गया। इस संबंध में लोगों ने कहा, इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर भव्य और आकर्षक ताजिए का निर्माण किया जा रहा है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। ताजिया बनाने वाले निसार मंसूरी, शाहिद जमाल, दानिश मंसूरी, अफजाल मंसूरी, जाहिद मंसूरी, ताबिश मंसूरी ने कहा कि ताजिया निर्माण में जितनी भी धनराशि लगती है उसको परिवार के सदस्य लगाते हैं। उन्होंने कहा ताजिए की ऊंचाई 7 फीट, लगभग लंबाई भी 7 फीट रहती है। उन्होंने कहा ताजिए का प्रारूप आकर्षक हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा ताजिया निर्माण में ज्यादा कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम लोगों ने आपस में बैठक कर मुहर्रम पर्व की तैयारी को लेकर शांतिपूर्ण और भाईचारगी बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। निसार मंसूरी ने बताया, मुहर्रम के चांद रात से शुरू किया जाता है और ये सिलसिला मुहर्रम के 10 तारीख तक जारी रहता है। इसके अलावा मुहर्रम के 9 तारीख की रात में शानदार जिक्र शोहदा करबला की नोहा खानी के माध्यम से मंजर पेश किया जाता है, जिसमें स्थानीय और बाहरी शायर और उलेमा भाग लेंगे। बता दें, अकीदतमंदों के लिए सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध की जाती है। उन्होंने कहा इस दौरान अकीदतमंदों के लिए बैठने, रुकने की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई जाती है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर निसार मंसूरी के अलावा शाहिद जमाल, दानिश मंसूरी, अफजाल मंसूरी, जाहिद मंसूरी, ताबिश मंसूरी उर्फ टीपू, एजाज मंसूरी, रोहान मंसूरी, राहत जमाल मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।